मुख्यमंत्री के लोकार्पण समारोह में विधायक हरि सिंह सप्रे का नाम नहीं लेने पर वे नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इसके बाद सभी चारों विधायकों ने प्रेस क्लब में एक पत्रकारों के सामने इस लोकार्पण समारोह का विरोध जताया। उनके द्वारा इस हद तक चिकित्सक पूरा श्रेय देने का प्रयास किया गया जा रहा है, जिसके प्रति जिले के हम समाज भाजपा विधायक एवं जनप्रतिनिधि असंतोष व्यक्त करते हुए सरकार को जाता है। नंबर दो, उड़ीसा जिले में पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा असुविधा भोगना पड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी शिवराज सरकार द्वारा बना चिकित्सालय का लोकार्पण कर रहे हैं एवं नागरिक क्षेत्र में अनेक लोगों को आर्थिक हानि हुई है, किंतु असंवेदनशील मुख्यमंत्री किसानों तथा बाढ़ प्रभावित जिलों की चिंता करने की बजाय लाखों रुपए खर्च कर लोकार्पण कार्य उद्घाटन के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार के निर्माण कार्यों का श्रेय लेने में व्यस्त है। नंबर चार, प्रशासन व क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव की संकुचित मानसिकता व व्यक्तिगत द्वेष के कारण विदिशा नगर में आयोजित जिला चिकित्सालय लोकार्पण कार्यक्रम में नगर के प्रथम नागरिक नगर अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन को आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि साथी कार्यक्रम के कारण होने के कारण नियमानुसार नगर पालिका अध्यक्ष का नाम आमंत्रण पत्र पर होना चाहिए था। यह जिला प्रशासन की सरासर त्रुटि है। नंबर पाँच, बीसा जिले के एक भी भाजपा विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष को कार्यक्रम में अपने विचार रखने का मौका नहीं दिया गया। प्रशासन के दोहरे रवैये का हम विरोध करते हैं। नंबर छः, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रोटोकॉल में आमंत्रित जिले के अनुसूचित जाति के एकमात्र विधायक हरि सिंह सप्रे जिला पंचायत अध्यक्ष का अपने उद्बोधन नाम दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी का यह व्यवहार अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि गरिमा को कम करने का द्वारा स्वागत न कराना, प्रोटोकॉल का उल्लंघन, जनप्रतिनिधियों का अपमान व प्रशासन की लापरवाही व आपराधिक है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। नंबर आठ, जिला प्रशासन द्वारा भाजपा के जनप्रतिनिधि गुमराह करने के उद्देश्य से दो तरफ के आमंत्रण पत्रों का भाषण किया गया है, जिसमें एक आमंत्रण पत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्ण सिंह डांग जी का नाम नहीं है, दोनों तरफ के आमंत्रण पत्रों की प्रति संलग्न है। जब विरोध था अपना तो अपन यही क्यों गए? शासकीय सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं जी, और उसमें स्थानीय विधायक स्थानीय सांसद को बुलाना भारत सरकार के राज्य सरकार के प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य है, और हम भी ये चाहते हैं कि विकास में हम सहयोग करें। इसलिए चूंकि जिले का आमंत्रण था प्रशासन का, इसलिए आए। पर बाध्यता नहीं थी ना कि आपको आना ही है? आप नहीं आकर भी अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। नहीं आना भी बाध्यता नहीं थी, हम चाहते थे कि हमें बोलने का अवसर मिले। हाँ। हमारे जनप्रतिनिधियों का हम अन्य क्षेत्र की विकास परक और समस्या मूलक विषयों को भी रख सके, इसलिए आना हुआ। पहुंचे आमंत्रण था, पहुंचे तो पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री के सामने वही मंच पर क्या आपत्ति आपने उठाई? माननीय जिलाधीश महोदय को हरि सप्रे जी ने, मैंने कम से कम 10 बार ये कहा कि हम में से एक प्रतिनिधि को कम से कम बोलने का अवसर दिया जाए। जिलाधीश महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ लगातार पूछते रहे और उनकी योजनाओं को वो बिल्कुल जीरो बताते रहे, सरकार का खजाना चढ़ेगा, इसको लेके मंच से कार्यक्रम के दौरान आपका और तो जिला अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष तरुण जी का भी नाम नहीं लिया गया, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ सरासर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के विधायक का अपमान किया गया है। इन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक का अपमान किया है जी।
इसके अलावा जो अस्पताल का नाम दिया गया माधवराव शिंदे जी के नाम पर, उस बात पे क्या कहेंगे? हमने सवाल किया श्रीमंत राजमाता सिंधिया के नाम पे किया था, अब उसको उठा कर श्रीमंत माधवराव सिंधिया के नाम कर, हमने तो मम्मी के नाम किया था, वो हमारी आदरणीय है, उनने पुत्र के नाम कर जैसे कांग्रेस ने करा था ना पहले, सोनिया की टोपी राहुल पर, राहुल की टोपी सोनिया पर, अध्यक्ष बोल रहे हैं। रहेगी ये सारी बातें लेकर आपने अभी बातचीत की, कहा कि इस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे, किस स्तर पर इस चीज़ को लेके जाएंगे? मैं विधानसभा क्वेश्चन लगाऊँ, इसमें भी विधानसभा